Sarah's Kitchen. Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा ख़ान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क और रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए ऑरेंज मार्मलेड जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, मैंने जैम बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो ऑरेंजेस को काट के रख लिया है। अब इनका जो है हमने अच्छे तरीके से जूस इनका हम निकाल लेंगे। चाहे तो आप हाथ से ही ये जूस जो है निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर मशीन है तो आप मशीन में इजीली ये जूस इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से तमाम जो ऑरेंजेस हैं उनका जूस निकाल लें आप। अच्छा, ये जो छिलके हैं अभी हमने इनको फेंकना नहीं है, इनकी हम अच्छे तरीके से सफाई करके जो हमने इनके चंक्स तैयार करने हैं जो ऑरेंज मार्मलेड के लिए बनते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने छिलके रखे थे इस तरीके से इसको साफ कर लें आप चम्मच या छुरी की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल साफ कर लेना है। अब आपने क्या करना है, छिलके को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। इसी तरह जितने भी आपने ये चंक्स शामिल करने हैं जैम में, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ज़्यादा करने हैं या कम, उसके हिसाब से आप जो है ये जितने भी छिलके हैं उतने क्लीन करके इस तरीके से आप उसकी कटिंग कर लें। अच्छा, मैंने जो ऑरेंज का जूस निकाला है ये तकरीबन 1 लीटर है। आप कोई भी सॉफ्ट पैन ले लें, उसमें ये अगर ये सीड्स पे रह जाते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि वो ना जाए जैम में। अच्छा, जितना आपके पास ऑरेंज जूस निकलेगा उतना ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। अगर 1 लीटर जूस निकला है तो 1 लीटर ही पानी ऐड कर देंगे इसमें। अब ये पानी में ऐड कर रही हूँ इसमें। अब चंक्स जो है मैं शामिल कर रही हूँ। इन्हें खूब अच्छी तरह हमने पकाना है। ये पानी जो हमने इसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा डाला है उसको आपने बिल्कुल खुश कर लेना है। पानी डालने का ये मकसद होता है कि जो ऑरेंज का जूस है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अगर हम उसे अच्छे तरीके से नहीं पकाएंगे तो जैम जो है वो पानी भी छोड़ देता है। 2 अदद जो लेमन है उनका जूस भी आप इसमें डाल दें, ऑरेंज जैम जो हम बना रहे हैं। लेमन जूस का ये फायदा होता है कि जैम जो है वो काफी देर तक आप उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता आपका जैम। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना आपका ऑरेंज जूस होगा उतना ही आपने पानी और चीनी भी उतनी ही डालनी है। 1 लीटर हमने पानी डाला था, पानी काफी हद तक रिड्यूस हो गया।
अब इसमें चीनी भी हम 1 किलो डालेंगे। अच्छा, चीनी डालने के बाद इस पर काफ़ी झाग आती जाएगी। जैसे जैसे ये झाग ख़त्म होती जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट लुक हमें देता जाएगा, तो इसका मतलब है जैम हमारा रेडी होने वाला है। अच्छा, जैम को चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा जैम लें, किसी प्लेट में डालें, अब 5 से 10 सेकंड के लिए इसे रेस्ट दें, उसके बाद आप, अगर ये तेज़ी से जैम नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि जैम को हमने मज़ीद पकाना है। अभी थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट और जैम पकेगा, फिर हम दोबारा इसे चेक करेंगे। अब आप एक ड्रॉप ले लें, किसी प्लेट में डाल के रख दें, तकरीबन इसे 10 सेकंड के लिए आप रेस्ट दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप प्लेट को देखें, अगर ये तेज़ी से ड्रॉप नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि जैम अभी रेडी नहीं है। अब ये बहुत ही स्लो तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब है ये जैम बिल्कुल रेडी है। अब आप चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाता है। अब जैम को आप किसी भी बॉटल में डाल लें, बॉटल आपकी साफ़ होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसे धो लें। अच्छा, आप ये जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने जो है ज़्यादा चंक्स डाले हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। बॉटल को आप अच्छे तरीके से साफ करके इसे बंद करके आप फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद ये काफ़ी थिक भी हो जाता है। ऑरेंज मार्मलेड जैम बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ घर में हमने इतना ज़बरदस्त जैम तैयार कर लिया है। अगर आप ये रेसिपी हमारी फॉलो करेंगे, अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और बहुत अच्छा आपका भी जैम तैयार होगा। और जब आपका जैम आप तैयार कर लें तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपका जैम कैसा तैयार हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।